हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एप्स की दुनिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगा जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन की जो नोटिफिकेशन बार होता है उसमें आप कैसे आपका खुद का फ़ोटो लगा सकते हो, किसी का भी फ़ोटो लगा सकते हो, और कोई भी हो देख के आपसे 100% पूछेंगे भाई ये तुमने कैसे किया। जी हाँ दोस्तों, आप भी कर सकते हो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं जाएगा। तो कैसे करना है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट देखना। तो दोस्तों आपको फिर से स्वागत करता हूँ आपका ही इस यूट्यूब चैनल एप्स की दुनिया में। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ। तो बिना टाइम वेस्ट, चलो देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों जैसे कि अभी मेरे हाथ में दो फोन देख रहे हो, और इन दो फोन में देखो ये जो फोन है, ये फ़ोन जो है ये फ़ोन का प्राइस ज़्यादा है लेकिन इस फ़ोन का प्राइस कम है। लेकिन इस फ़ोन को देख के कोई भी कहेगा ये फ़ोन ज़्यादा प्राइस का है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन का नोटिफिकेशन है इसको बार में देखो, ये बोरिंग सा लगता है, ये वाइट बैकग्राउंड है, लेकिन इसी नोटिफिकेशन बार की बैकग्राउंड में मैंने मेरी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगा दी। तो अगर आप चाहते हो कि आप किसी का भी फ़ोटो लगाने के लिए वो भी इस तरह से बैकग्राउंड में, तो कैसे लगाओगे इस वीडियो में बताऊँगा, तो ध्यान से देखना। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर देखो ये फ़ोन है, फ़ोन का नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर फ़ोटो लगा, अगर मैं चाहूँ यहाँ से डाटा को ऑन कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ ब्लूटूथ ऑन कर सकता हूँ, सब कुछ काम करेगा बिल्कुल स्मूथली, और फोन को फोन देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी बात करते हैं ये कैसे आप लगा सकते हो आपके फोन में। आपको करना क्या होगा, जो वीडियो देख रहे हो आपको इसी खुशी में पहले वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके साथ बेल आएगा ऑल वाला बेल पे आपको दबा के रख देना है, और जो वीडियो देख रहे हो सिंपली नीचे ऐड अ पब्लिक कमेंट आएगा, यहाँ पे आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, नोटिफिकेशन फोटो फिर लिख देना है आपको यहाँ पे ट्रिक, बस इतना एक कमेंट कर देना है। जैसे ये कमेंट कर दोगे नोटिफिकेशन फ़ोटो ट्रिक तो कमेंट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपके फ़ोन में एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा, और ये जो दोस्तों ऐप है, इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए जो वीडियो देख रहे हो, वीडियो के टाइटल में क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन से इस ऐप को आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, और इसको जो नोटिफिकेशन है देख सकते हो अभी नॉर्मल हो गया क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया, अभी पूरी तरफ से नोटिफिकेशन कर दिया क्लियर, जो कि इस तरफ से दिख रहा है। तो अभी इसमें बैकग्राउंड में फ़ोटो कैसे लगा सकता हूँ, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आप जैसे ही ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ऐप को पहली बार ओपन करते हो तो ये ऐप है जो इसका लोगो देख सकते हो, तो इस ऐप को आप पहली बार ओपन करते ही द फॉलोइंग परमिशन आर रिक्वायर्ड टू रन द ऐप, तो आपको यहाँ पे फॉलोइंग परमिशन दे देना है, फिर यहाँ पे एसेसिबिलिटी मोर पे जाना है, एसेसिबिलिटी आना है, फिर मोर डाउनलोड सर्विस इसमें क्लिक करना है, कर देने के बाद वन शेड रहेगा इसमें ऑफ रहेगा, इसको ऑन कर देना है, फिर ओके कर देना है, फिर आपको बैक आ जाना है, फिर से बैक आ जाना है, और फिर से बैक आ जाना है, फिर से बैक आना है, आने के बाद फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है इसको भी अलाउ करना है, फिर फाइंड वन शेड तो आपको नीचे आना है, और फिर यहाँ पे देख सकते हो वन शेड यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है, फिर अलाउ हो जाएगा, और हो जाने के बाद इस तरफ से होगा, फिर नो थैंक्स में क्लिक करना है, फिर आपके सामने यहाँ पे इस तरफ से आएगा, और अभी देखो ये कलर बदल गया है, लेकिन इसमें अभी बैकग्राउंड में अभी मैं अपना फ़ोटो लगाऊंगा, तो इसके लिए आपको कलर्स में क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के साथ साथ जो कि कस्टम बैकग्राउंड इमेज इसमें आपको क्लिक करना होगा, फिर सिलेक्ट करना होगा, और जैसे ही सिलेक्ट करोगे फिर आपको गैलरी स्विच करना होगा, और गैलरी पर जो भी आपका फ़ोटो होगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कुछ फ़ोटो है, तो मैं मान के चलो ये फ़ोटो इस बार लगाता हूँ, तो इस फ़ोटो को मैं सिलेक्ट किया, फिर आपको अलाउ कर देना होगा, और ये जो फोटो है, चलो ये फोटो देख सकते हो, तो इस फोटो को मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, और सिलेक्ट करते ही डन हो गया, अभी देखता हूं वाओ क्या बात है, देख सकते हो ये सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर अभी मैं मिनिमाइज कर लेता हूं, और यहां पे ये देखो, ठीक है देख सकते हो, तो अभी यहाँ पे ये जो टाइम है, टाइम अगर काला हो रहा है, अगर आपका टाइम नहीं दिख रहा है तो आपको और एक सेटिंग यहाँ पे कर लेना है, कर सकते हो, सिंपली ऐप को ओपन करना है, ऐप को ओपन कर देने के बाद सिंपली बैकग्राउंड टाइप आएगा, फिर नीचे आके टेक्स्ट कलर रहेगा, इसमें आपको क्लिक करना है, फिर व्हाइट कर देना है इस तरफ से, फिर जैसे यहाँ पे व्हाइट कैसे करना है देखो, इसमें टेक्स्ट कलर में क्लिक करके ये जो है इसको व्हाइट कर देना है, ये व्हाइट करके इसमें अप्लाई कर देना है, अप्लाई नहीं हुआ ठीक है, ये अप्लाई, और अभी ये देखो टाइम वाइट हो जाएगा, ठीक है बहुत ही सिंपल है। तो इसमें कभी कभी होता है तो, लेकिन आपको ट्राई करना है एक दो बार, फिर इस तरह से अभी मैं रेड करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और इस बार देखता हूँ, हाँ ये देखो हो गया है, क्या बात है, ठीक है। तो इस तरफ से देख सकते हो कैसे बदल चुके हैं ये टाइम वगैरह भी, और यहाँ से मैं अभी डाटा को भी ऑफ़ कर देता हूँ, फिर ब्लूटूथ को भी ऑफ़ कर देता हूँ, सब कुछ इस तरफ से आएगा, ठीक है काफ़ी ज़बरदस्त दिखेगा। तो दोस्तों इस ऐप को इंस्टॉल कर लो, इस ऐप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया।
तो दोस्तों जैसे कि अभी मैंने आपको लाइव प्रो के साथ दिखाया जो हमारे फ़ोन है, फ़ोन की जो नोटिफिकेशन बार है उसमें कैसे मैंने खुद का फोटो लगाया, मेरी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो लगाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब के साथ साथ घंटे भी दबा देना। और दोस्तों आप अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले दिन अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, जय हिंद।